नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल राउंड नर्सिंग एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में एम्स के जो नॉर्सेट ऑल पीडियाट्रिक इमेज बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो काफी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि नॉर्सेट में डेफिनेटली इमेज बेस्ड क्वेश्चन और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट इमेज डिस्कस करने वाले हैं जो कि पीडियाट्रिक के सभी डिजीज और प्रोसीजर्स आप सभी के कवर होने वाले हैं। इस वीडियो में आप सभी प्रोसीजर्स और डिजीज रिलेटेड इमेज क्लियर कर पाओगे। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहे। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो डाले तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और गाइस, अगर आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस और इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आप इमेज बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहां पे सेपरेटली इमेज बेस्ड क्वेश्चन की वीडियो बनाई गई है जिसमें कि न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी इमेज बेस्ड क्वेश्चन सभी आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, तो चूकेगा नहीं, वहां से आप और इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो भाई, आज का वीडियो शुरू करते हैं, पीडियाट्रिक ऑल एम्स इमेज बेस्ड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने, कहीं भी स्किप ना करें वीडियो क्योंकि आप इंपॉर्टेंट इमेजेस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर गिवन इन द पिक्चर गिवन बिलो। कौन सा प्रोसीजर डेमोन्स्ट्रेट कर रही है पिक्चर, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं डाले दोस्तों, क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इस वजह से आपको अगर कोई आइडिया हो तो आप तुरंत कमेंट करें कौन सा प्रोसीजर हो सकता है। पीडियाट्रिक का काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है और ये प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, कमेंट करें अगर आपको किसी को पता है। तो ये प्रोसीजर गाइस, इसको बोला जाता है टिम्पेनोसेंटेसिस। टिम्पेनोसेंटेसिस मेनली ओटाइटिस मीडिया की कंडीशन में किया जाता है। ओटाइटिस मीडिया भी नहीं, ओनली ओटाइटिस मीडिया प्लस इफ्यूजन दोनों प्रेजेंट है तो ये किया जाता है टेम्पेनोसेंटेसिस, और उसके थ्रू एस्पायरेट करके, इंजेक्शन के थ्रू एस्पायरेट करके वो एक्स्ट्रा फ्लूड होता है वो निकाल दिया जाता है। ये है वो इमेज, काफी इंपॉर्टेंट है, फाइव स्टार देन लाइक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप देख सकते हैं, टिम्पेनोसेंटेसिस इज मेनली डन इन केस ऑफ ओटाइटिस मीडिया विद एफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इमेज काफी इंपॉर्टेंट है और पहले भी एग्जाम में आया है, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर गिवन बिलो इन द पिक्चर। कौन सा प्रोसीजर इंडिकेट कर रही है पिक्चर, वो आपको बताना है, तो कमेंट करें। एंड दिस इज इलियक बोन मैरो बायोप्सी प्रोसीजर की इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड भाई, इस प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की इमेज है, ये प्रोसीजर है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, तो आप में से अगर किसी को पता है तो कमेंट करें। तो दिस इज द इमेज ऑफ कैपिलरी ब्लड गैस सैंपलिंग का इमेज है, काफी इंपॉर्टेंट है, अभी तक एग्जाम में पूछा नहीं गया और तो चांस बहुत ज्यादा है इसके आने के। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर फोर,
क्वेश्चन नंबर फोर है, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द पिक्चर गिवन बिलो। तो ध्यान से देखें पिक्चर को, ये पिक्चर है, इसमें आप देख सकते हैं एक सैंपलिंग टाइप लिया जा रहा है, तो कौन सा सैंपल लिया जा रहा है, कौन सी स्क्रीनिंग की जा रही है, ये है न्यूबोर्न मेटाबॉलिक स्क्रीन सैंपलिंग। ये पिक्चर है न्यूबोर्न मेटाबॉलिक स्क्रीन सैंपलिंग, काफी इंपॉर्टेंट इमेज है, फुल चांस है आने के, वीडियो में कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि इससे एक से बढ़ गए एक इमेज और प्रोसीजर इमेज आने वाले हैं, तो चूकिएगा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, अगेन प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन में पूछा आइडेंटिफाई द प्रोसीजर गिवन इन द पिक्चर गिवन बिलो, और वेरी इंपॉर्टेंट भी मार्क कर रखा है। देखते हैं क्वेश्चन, गाइस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि ये प्रोसीजर है, आपको बताना है कौन सा प्रोसीजर है, कौन से प्रोसीजर की इमेज है, काफी इंपॉर्टेंट इमेज है, तो फटाफट से कमेंट करें। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ सबड्यूरल टैपिंग, सबड्यूरल टैपिंग की इमेज है, अभी तक इसको पूछा नहीं गया, तो इसके फुल चांस है आने की, तो स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसके। तो सबड्यूरल टैपिंग की इमेज है, जैसा कि मैंने बोला था, इट इज डन यूजुअली एट द एंटीरियर फ्रंटल लेंस, एंटीरियर फ्रंटल लेंस की साइड पे, यहाँ पे एस्पायरेट किया जाता है सबड्यूरल टैपिंग में, और फ्लूड की लेबोरेटरी में भेज के एक पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोज करने में हेल्प करता है सबड्यूरल टैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द प्रोसीजर परफॉर्म्ड इन द पिक्चर गिवन बिलो, कौन सा प्रोसीजर, अगेन प्रोसीजर रिलेटेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे प्रोसीजर है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज, कौन से प्रोसीजर की इमेज है, फटाफट से कमेंट करके बताएं, देखते हैं आप इसके तरफ जवाब दे पाते हैं। तो ये पिक्चर आप सभी को पता है बायोप्सी की इमेज है आई थिंक, लेकिन कौन सी बायोप्सी है वो आपको बताना है, फटाफट से कमेंट करके बताएं। तो ये पिक्चर है स्किन पंच बायोप्सी की इमेज है, ध्यान से देख ले, क्योंकि जो स्किन बायोप्सी होती है उसको उसके बहुत से टाइप होते हैं, कोर बायोप्सी, पंच बायोप्सी, एक्सीजनल बायोप्सी, सो इन इमेज में कंफ्यूज नहीं होएगा। ये है पिक्चर स्किन पंच बायोप्सी की, एक बार ध्यान से देख लें। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द अपार्टस इमेज गिवन बिलो, कौन से अपार्टस की इमेज दी गई है नीचे, तो आपको बताना है कमेंट करके, गाइस कमेंट जरूर करें, अपनी नॉलेज असेस करें, सही गलत वो बात की बात है, ताकि सेम मिस्टेक आप एग्जाम में रिपीट ना कर पाओगे, अगर आप अभी कमेंट करोगे टाइमली, रिस्पॉन्ड करना चाहिए तुरंत। तो ये पिक्चर है, कौन सा अपार्टस का पिक्चर है, फटाफट से कमेंट करें, आई थिंक आप सभी इसका आंसर राइट देंगे, उम्मीद करता हूं, और यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, दिस इज द इमेज ऑफ इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर की इमेज है, एन इंसुलेटेड एनक्लोजर इन विच टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर एनवायरमेंटल कंडीशन कैन बी रेगुलेटेड एट लेवल ऑप्टिमल फॉर ग्रोथ हैचिंग और रिप्रोडक्शन। यानी कि इंक्यूबेटर एक इंक्लोजर है जिसके अंदर टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जो मदर के बॉडी के अंदर जो एनवायरमेंट मिलता है
बेबी को वही एनवायरनमेंट बाहर क्रिएट किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इनक्यूबेटर का। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी भाई काफी इंपॉर्टेंट डिजीज रिलेटेड इमेज है। द पिक्चर गिवन बिलो डेपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर की इमेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोमा है, स्टोमा क्लियर दिख रहे हैं, और ये यहाँ पे दिख रहा है कोलोस्टोमी का बैग है। तो कौन से कोलोस्टोमी है, दिस इज द पिक्चर ऑफ डबल बैरल कोलोस्टोमी। यहाँ पे डबल स्टोमा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होएगा, ये पिक्चर आ सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है कोलोस्टोमी टॉपिक, पहले भी एम्स में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कोलोस्टोमी के ऊपर। और इस देख लेते डबल बैरल कोलोस्टोमी क्या होती है। डबल बैरल कोलोस्टोमी इज टेम्पररी कोलोस्टोमी विद टू ओपनिंग इन द इनटू द कोलोन डिस्टल एंड प्रोक्सिमल, द एलिमिनेशन अकर्स थ्रू द प्रोक्सिमल स्टोमा। और एलिमिनेशन होता है प्रोक्सिमल स्टोमा के थ्रू होता है, टेम्पररी कोलोस्टोमी होती है विद टू ओपनिंग इन टू द कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से जरूर देख लें, फुल चांस है आने के नॉर्सेट एम्स ऑल एम्स एग्जाम में। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, पिक्चर गिवन बिलो डेपिक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर, कौन से प्रोसीजर को इंडिकेट कर रहा है पिक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये है ईवीडी सेट, यानी कि एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन सेट है, एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर स्टोमी भी बोलते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। हाइड्रोसेफलस की कंडीशन में मेनली किया जाता है एवीडी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कलेक्ट किया जाता है फ्लूड को, जो एक्स्ट्रा चैम्बर है, और यहाँ पे सीवीपी मॉनिटर किया जाता है, यहाँ पे रेगुलेटर है, और रेट को रेगुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है मेनली। ये है ईवीडी कैथेटर, ये साइट है जहां से कि पंचर करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो भाई ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ईवीडी का, पूछा जा सकता है नॉर्सेट ऑल एम्स एग्जाम में। अब देख लेते हैं ईवीडी होता क्या है। एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेनेज शंट, एन एक्सटर्नल वेंट्रिकुलर ड्रेन आल्सो नोन एज वेंट्रिकुलोस्टोमी और एक्स्ट्रा वेंट्रिकुलर ड्रेन इज ए डिवाइस यूज्ड इन न्यूरोसर्जरी टू ट्रीट हाइड्रोसेफलस, जैसा कि मैंने बोला था हाइड्रोसेफलस को ट्रीट करने के लिए, टू रिलीव एलिवेटेड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी जो बड़ा होता है उसको रेगुलेट करने के लिए इसका मेनली काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर गिवन बिलो, जो ये इंस्ट्रूमेंट है कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आपको कमेंट करके बताना है। दिखने में काफी इजी दिख रहा है, लेकिन आई थिंक सभी इस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स गलत दे सकते हैं। सो अपनी नॉलेज को जरूर एजमाइज करें, कमेंट करें सभी, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कौन से इंस्ट्रूमेंट की इमेज है, क्या इसका यूज है, वो आप सभी को तुरंत बताया जाएगा। सो कमेंट करें, अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। वो ये है वेंट्रिकुलर ड्रेन, ये वाली पिक्चर जो है वेंट्रिकुलर ड्रेन की पिक्चर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइव स्टार देन लाइक क्वेश्चन है, वेंट्रिकुलर ड्रेन का इमेज है। और इसका मेनली काम क्या होता है, ये होता है टू ड्रेन सीएसएफ, सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए इसका मेनली काम होता है।
और ये स्पेशली हाइड्रोसेफलस की कंडीशन में इसका मेनली यूज किया जाता है। वेंट्रिकुलर ड्रेन का पिक्चर एक बार वो देख लो इमेज को ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का पिक्चर है? न्यू ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आई थिंक नॉर्सेट ओलिम्स में पूछा जा सकता है, 100% इसके चांस है। सो कमेंट करें। और ये है इमेज ट्रांस इल्यूमिनेटर, एलईडी ट्रांस इल्यूमिनेटर, जो कि इन्फेंट्स में वेन्स को विजुलाइज करने के लिए इसका मेनली काम होता है। यहाँ पे जो लाइट पड़ती है वो हेल्प करती है विजुलाइजेशन ऑफ वेन्स, वो चाहे कैनुलेशन में हेल्प करती हो या कोई कैथेटर प्लेसमेंट में हेल्प करती है, उसके लिए ये हेल्प करती है। और ये विजुलाइज करती है वेन्स को, इन्फेंट्स में वेन्स पंचर के लिए, करेक्टली पंचर करने के लिए इसका यूज लिया जाता है मेनली, ताकि इजीली वेन्स विजिबल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एलईडी ट्रांसमीटर की इमेज काफी इंपॉर्टेंट इमेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में, और इसके 99% या 101% चांस है आने के। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर, सो ये पिक्चर है, और कमेंट करें कौन सी पिक्चर है, किस चीज का सेट है। गाइस फटाफट से कमेंट करें। और ये है इमेज क्लोड डिसोल्यूशन सेट, इसको बोलते हैं क्लोड डिसोल्यूशन सेट, और इसका मेनली यूज किया जाता है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के केस में, यानी कि एम्बोलिज्म अगर हो जाता है इन्फेंट्स में, तो इन्फेंट्स हो एडल्ट हो दोनों में इसका यूज होता है, क्लोड डिसोल्यूशन सेट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो, अब पिक्चर भी देख लेते हैं। आई थिंक ये इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी देख सकते हैं। ये है कौन से प्रोसीजर की इमेज, फटाफट से कमेंट करें। और ये है पिक्चर फोटोथेरेपी की। अच्छा आप सब आप में से कोई बता सकता है फोटोथेरेपी में जो वेवलेंथ यूज करते हैं वो कितनी वेवलेंथ होनी चाहिए, और जो लाइट लैंप से जो लाइट सोर्स से जो नीचे इन्फेंट लेटा उसके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, फटाफट से कमेंट करके बताएं, तो मैं आप सभी को बता देता हूं। जो वेवलेंथ होती है लाइट की वो होती है 422 480। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोटोथेरेपी की इमेज थी, काफी इंपॉर्टेंट इमेज थी ये भी अपने आप में। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द पिक्चर बिलो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर दिया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट लगा मेरे को। ये इमेज है, आप सभी को पता होगा कि ये इमेज 82 का पार्ट है। अब देख लेते हैं, ये है इमेज ऑब्टरेटर का, ट्रेकोस्टोमी ट्यूब विद ऑब्टरेटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके चांस है, अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, इस बार शायद पूछा जा सकता है। आइडेंटिफाई द नीडल पिक्चर गिवन बिलो, कौन सी नीडल है, कमेंट करें, देखते हैं आप इसके अंदर सही जवाब दे पाते हैं। ये इमेज है जमशेदी नीडल बोला जाता है इसको, इसका मेनली यूज बायोप्सी के केस में इसका मेनली यूज किया जाता है, देख लेते हैं इसका मेन फंक्शन क्या होता है। जमशेदी नीडल इज द बोन बायोप्सी नीडल, जमशेदी नीडल इज ए ट्रेफाइन नीडल, ट्रेफाइन नीडल होती है फॉर परफॉर्मिंग बोन मैरो बायोप्सी, और इसका मेनली यूज होता है बोन मैरो बायोप्सी के केस में।
एक बार ध्यान से देख लें इमेज, दोबारा से इमेज को देख लीजिए। ये जो इमेज है ये है, जमशेदी नेटल जो कि बोन मैरो बायोप्सी में इसका मेनली यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। तो आई थिंक आप सभी इसका जवाब दे सकते हैं इजीली, सो कमेंट करके बताएं। सो ये है इमेज इन्फेंट बिलीरुबिनोमीटर, जो कि बिलीरुबिन लेवल्स को, न्यूबॉर्न होता है उसके बिलीरुबिन सीरम बिलीरुबिन लेवल्स को बताता है क्या वैल्यू है। नेक्स्ट नेक्स्ट इमेज भाई काफी इंपॉर्टेंट इमेज और क्वेश्चन होने वाला है, पर्टिकुलर इन्फेक्शन कंडीशन है, तो कौन सा इन्फेक्शन है इस इमेज को आप देखकर कमेंट करके बताएं। आइडेंटिफाई द डिजीज कंडीशन स्लैश इन्फेक्शन इन द पिक्चर, पिक्चर में कौन से इन्फेक्शन और डिजीज कंडीशन है वो आप सभी को कमेंट करके बताना है, देखते हैं आप इसके तो सही जवाब दे पाते हैं। और यहाँ पे है सेलुलाइटिस, यह है इमेज सेलुलाइटिस की, काफी इंपॉर्टेंट इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, आइडेंटिफाई द ट्यूबिंग पिक्चर गिवन बिलो। कौन सी ट्यूबिंग की पिक्चर है वो आपको एसेस करके कमेंट करके बताना है, तो एक बार ध्यान से जरूर देख लें। ये है वो ट्यूबिंग, मैं आपको थोड़ा हिंट भी देता हूँ, ये जो ट्यूबिंग है मेनली काम ले जाती है ईटी ट्यूब के साथ में, तो आपको इतना हिंट मिल गया है, देखते हैं आप में से कितना सही जवाब दे पाते हैं। अब देख लेते हैं इसका मेनली काम क्या होता है। तो ये पिक्चर थी लो साइड लाइन डेड स्पेस एडेप्टर विद ट्यूबिंग, जो कि ईटी ट्यूब में कनेक्ट कर दिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट इमेज है, 5 स्टार देन लाइक क्वेश्चन है, इसको बोला जाता है लो साइड लाइन डेड स्पेस एडेप्टर ट्यूबिंग। लो साइड लाइन डेड स्पेस एडेप्टर, एक बार ध्यान से सुन ले। अब इसका मेन फंक्शन क्या होता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं इमेज के साथ में। फंक्शन इसका होता है मेनली, इट अलाउज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन एंड सर्फेक्टेंट्स एज वेल एज मॉनिटरिंग ऑफ प्रेशर ऑन गैस। यानी कि जो 82 में इसको कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके थ्रू मेडिकेशन, सर्फेक्टेंट्स और जो गैसेस का प्रेशर है वो मॉनिटर किया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट इमेज थी, सभी क्वेश्चंस में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही था अब तक का, लो साइड लाइन डेड स्पेस एडेप्टर विद ट्यूबिंग, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है ईटी ट्यूब के साथ में और यहाँ से मेडिकेशन दी जा सकती है, सर्फेक्टेंट दी जा सकती है और जो गैसेस का प्रेशर है उसको मॉनिटर करने में हेल्प करता है लो साइड लाइन डेड स्पेस एडेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, आइडेंटिफाई द पिक्चर। पिछली वीडियो में कुछ व्यूअर्स ने बोला था कि भाई पिक्चर शॉर्ट होती है तो थोड़ा समझ नहीं आती, इस पिक्चर को देख के बताएं, काफी बढ़िया पिक्चर है क्वालिटी। तो निडल है आप सभी को पता है, लेकिन कौन सी निडल है वो आपको कमेंट करके बताना है, फटाफट से कमेंट करें, देख लेते हैं आंसर। यह है ओस्कुड बोन मैरो बायोप्सी निडल, एक बार दोबारा से देख लीजिए इमेज को, ओस्कुड
बोन मैरो बायोप्सी नीडल। अब इसका मेन फंक्शन देख लेते हैं, क्या यूज होता है इसका मेनली। ओसगुड नीडल इज यूज टू ऑब्टेन बोन मैरो क्लोट्स फ्रॉम द टीबिया ऑफ स्मॉल प्रीटर्म नियोनेट। ओसगुड नीडल मेनली बोन मैरो क्लोट्स को सैंपल लेने के लिए इसका मेनली यूज होता है और टीबिया से लिया जाता है, विच इनेबल्स द असेसमेंट ऑफ मैरो सेलुलरिटी एंड आर्किटेक्चर। ओसगुड नीडल का मेनली यूज होता है बोन मैरो क्लोट्स लेने में हेल्प करता है और इसको टीबिया से लिया जाता है मेनली प्रीटर्म नियोनेट्स में, जो कि मैरो सेलुलरिटी को असेस करने में हेल्प करती है, आर्किटेक्चर को समझने में हेल्प करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते, काफी इंपॉर्टेंट इमेज थी। क्वेश्चन नंबर 21 पिक्चर गिवन बिलो डिपिक्ट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर। कौन से डिसऑर्डर को इंडिकेट करी पिक्चर, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं कि क्लियरली ये है नॉर्मली पिगमेंटेड हेयर और यहाँ पे जो एबनॉर्मल पिगमेंटेड हेयर है ये मेनली देखा जाता है कवास्कुलर डिजीज। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि हेपेटोमेगली एडिमा दोनों देखे जाते हैं एक साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना स्टार दें उतने ही कम है इस क्वेश्चन को और नॉर्सेट और एम्स एग्जाम में पूछा जा सकता है इजली। आइडेंटिफाई द डर्मेटोलॉजिकल डिसऑर्डर गिवन इन द पिक्चर। सो पिक्चर देख लेते हैं गाइस, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने ग्रुप्स में शेयर करें वीडियो ज्यादा ज्यादा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर है और ये पिक्चर है रोजियोला इन्फेंटम की। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है रोजियोला इन्फेंटम हर्पीज वायरस से कोज करता है, लेकिन कौन से हर्पीज से, SPV 5 6? कमेंट करके बताएं। तो आपको बता देते हैं, रोजियोला इन्फेंटम इज कॉज्ड बाय ह्यूमन हर्पीज वायरस 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट्स, कौन सा इक्विपमेंट है, तो यह है पिक्चर MDI की। मीटर डोज इनहेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार दे उतना ही कम है। आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट्स गिवन इन द पिक्चर गिवन बिलो, कौन सी इमेज है कौन से इंस्ट्रूमेंट की इमेज है, फटाफट से कमेंट करें कौन सा इक्विपमेंट है, क्या इसका यूज है। तो ये है SpA2 कंबाइंड SpO2 और CO2 दोनों का कंसेंट्रेशन बताता है। यह है इमेज कंबाइंड ट्रांसक्यूटेनस SpO2 एंड CO2 मॉनिटर, यानी कि O2 और CO2 दोनों का जो कंसेंट्रेशन है बॉडी के अंदर उसको एसेस करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 25 आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें, नए व्यूवर से रिक्वेस्ट है अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। ये इमेज एक कौन सा कैथेटर को इंडिकेट कर रहा है, फटाफट से कमेंट करके बताएं। So, ये है रेडियल आर्टरी कैथेटर और टेप्ड रेडियल आर्टरी कैथेटर बोल सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन फॉर सब्सक्राइबर्स। पहले तो आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब सब्सक्राइबर्स के लिए क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा।
आइडेंटिफाई द इमेज गिवन बिलो, कौन से प्रोसीजर, कौन से डिजीज कंडीशन की इमेज है वो आपको कमेंट करके बताना है। ये है इमेज और इस इमेज को देखकर आपको क्या लगता है कौन सा प्रोसीजर किया जा रहा है। पीडियाट्रिक का जो प्रोसीजर है काफी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, कमेंट करें, नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और अपने आंसर कमेंट जरूर करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अस फॉर मोर इमेज डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं, जल्दी हाजिर होंगे एक न्यू इमेज डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों मिलते हैं एक न्यू इमेज डिस्क्रिप्शन वीडियो के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, जय हिंद, जय भारत।